हेलो गाइस, आई एम रेड्रो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। हम आ गए तो नए ब्लॉग लेकर। सो काफी दिनों से चैनल पे एक भी ब्लॉग नहीं आया क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा बारिश रुकने का नाम लिया है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुक रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं, फाइनली हम आ चुके हैं। आपको पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल देख के कि हम क्या करने वाले ये ब्लॉग में। जैसे कि हमारा ट्रैवल और बाइक रिलेटेड चैनल है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मेरा वायरस में मैंने क्या क्या मॉडिफाई किया और क्या क्या करने वाला हूँ और मैं कैसे उसको मेंटेन करता हूँ उसके बारे में मैं ब्लॉग बनाया करूंगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रेगुलर गाइस। अब से हम रेगुलर होने वाले, रेगुलर इन द सेंस अभी थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लॉग आया करेगा चैनल पे। आई होप आपको बाइक रिलेटेड कॉन्टेंट अच्छा लगेगा। सो ये रहा हमारा चेन सेट जो कि रोलन का गोल्डन ब्रास कोटेड चेन है। भाई क्या खतरनाक लुक आने वाली है भाई, ना जब बाइक लगेगा पूरा गोल्डन ही कलर है। तो हमने ये क्यों चूज किया ओवर यामा स्टॉक चेन, क्योंकि ये आता है गोल्डन ब्रास कोटेड के साथ और ये परफॉर्मेंस चेन है और ये आता है एक्स रिंग के साथ। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आता है एक्स रिंग के साथ जो कि स्टॉक चेन आता है ओ रिंग के साथ। नॉर्मल चेन से थोड़ा मोटा रहेगा और जैसे कि ब्रास कोटेड है तो इसमें थोड़ा रस्टिंग वगैरह थोड़ा कम लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मल स्टॉक चेन में दो तीन दिन ऐसे बारिश के दिन थोड़ा रह जाता है ना, तो रस्टिंग वगैरह हो जाता है। सो इसको देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो ये मैंने LRL मोटर से मंगाया था, कुछ 2000 समथिंग कुछ बड़ा था और उसका एक बॉक्स आता है ऊपर। वो बॉक्स थोड़ा बारिश की वजह से वो बॉक्स ख़राब हो गया, डिलीवरी वालों की भी गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो अभी चलते हैं, इसको हम इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे अनबॉक्सिंग करके। तो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे अभी आते हैं, 3, 2, 1। सो ये रहा हमारा वायरस, पूरा गंदा हो चुका है भाई, पूरा बारिश की वजह से पूरा कीचड़ पूरा हो चुका है। सो आज हम क्या काम करने वाले हैं, आज ये क्रॉस गार्ड का ये क्या बोलते हैं इसको, ये गिर गया है कहीं जो ऐसा दिखता है, तो उसको हम लगाएंगे। और हैंडल का कुछ काम है, हैंडल थोड़ा वोवेल होता है उसका देखते हैं, क्योंकि एक साइड थोड़ा मुड़ गया है, एक बार गिर गया था बाइक। और चेन सेट तो अपना चेंज ही होने वाला है। सो चलो अभी निकलते हैं। आपको सुनाई दे रहा होगा नहीं, पर बहुत साउंड आ रहा है भाई चैन से, भाई मुझे अजीब लग रहा है पूरा। और बाइक भी पूरा गंदा हो गया है, तो मेरा भाई पूरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। हम बाइकर्स बाइक के साथ बहुत अटैच होते हैं ना, बाइक में कुछ भी हो जाता है ना बहुत अजीब लगता है हमको भाई। देर हो खतरनाक, हमने स्ट्रीट से निकलते हुए ऑफ रोड हो जाता है, तो वैसा वेदर है पूरा और बारिश की वजह से पूरा रास्ता ख़राब हो गया है। तो क्या, तो इसलिए मैंने वॉश नहीं कर रहा था बाइक। अभी मेरी बाइक चल चुकी है कुछ 22,000, ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास चल चुकी है भाई स्टॉक चेंज से, एक बार भी चेंज नहीं किया है। वैसे नॉर्मली 15,000 में चेंज करना रहता है बाइक का चेन सेट, पर तुम्हारा भाई ज़्यादा मेंटेन किया है भाई बाइक को, और कैसे कैसे खतरनाक ऑफ रोडिंग ये सब किया है ना इसमें, फिर भी भाई 22,000 तक चल गया भाई, बड़ी बात है। तो अभी जाने वाले हम गांधीनगर में एक शॉप है, वहाँ पे चेंज कराएंगे, क्योंकि हम यामा शोरूम भी जा सकते थे। तो यामा शोरूम में क्या वीडियो क्या भाई, मतलब जब सर्विसिंग के लिए जाता हूँ वहाँ अंदर नहीं जाने देते भाई, तो इसीलिए हम जाएंगे शॉप। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस शॉप में, शायद आज थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि संडे है, तो बहुत सारा बाइक्स आने वाला है। सो भैया से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं कि वीडियो बना सकता है या नहीं। अभी भैया से परमिशन ले लिया, अभी बाइक वॉश करने वाले हैं। पहले वॉश करेंगे, उसके बाद चेन सेट चेंज करेंगे और जो भी काम है वो करेंगे। तो अभी बाइक वॉश हो चुकी है, तो चेन को अभी कटर से कट करके निकलने वाले हैं, क्योंकि यामा का जो स्टॉक चेन है ना उसमें चेन लिंक नहीं रहता है, कुछ सेफ्टी फीचर्स की वजह से कहीं गाड़ी चलते टाइम चेन निकल ना जाए उस वजह से। तो अभी पुराना वाला चेन को निकाल दिया गया है और पिछले वाला व्हील को निकाला जा रहा है। तो अभी पुराना वाला स्प्रोकेट को स्प्रोकेट हब से निकाला जा रहा है, उसके बाद नया वाला स्प्रोकेट लगाया जाएगा। ये रहा हमारा पुराना स्प्रोकेट, भाई क्या हाल हो चुका है, किस किस का पूरा टीथ शार्प हो चुका है। तो अभी ड्रम रबर डाल दिया है और पीछे वाला जो स्प्रोकेट हब है उसको क्लीन करके अभी लगा दिया जाएगा।
अब ये रहा हमारा गोल्ड चेन, और भाई आगे का स्प्रॉकेट भी गोल्ड कलर है भाई, क्या बढ़िया दिख रहा है। तो अभी आगे वाला स्प्रॉकेट डालने से पहले 60 पे ग्रीस लगाया जाएगा, तो आप जब भी आगे वाला स्प्रॉकेट चेंज करोगे तब ग्रीस जरूर लगाना, क्योंकि तो जब गाड़ी खींचती है ना तब वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ग्रीस लगाना ज़रूरी है। तो अभी आगे वाला स्प्रॉकेट लगा दिया गया है, अभी चेन इंस्टॉल किया जाएगा और चेन को एडजस्ट किया जाएगा, दैट्स इट। और अभी चेन को ल्यूब करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही चेन पेस्ट लगा हुआ है चेन में, सो चेन पेस्ट जब निकल जाएगा तब हम चेन को ल्यूब करेंगे। और बताना भूल गया, भैया का नाम है राजेश और उनका शॉप का नाम है नवदुर्गा बाइक रिपेयरिंग सेंटर, जो कि गांधीनगर मेन रोड पे हम्प्टी डम्प्टी किड शॉप के बिल्कुल अपोजिट साइड में है। और आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम है या मॉडिफिकेशन कुछ भी कराना है तो भैया के पास आ सकते हो, भैया पूरा खुद का बाइक जैसे पूरा पैशन में करते हैं। So I will definitely recommend you to visit this shop, guys. हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अभी हम निकलते हैं। थैंक यू भाई। हाँ चैनल देख कर दो जी। थैंक यू। और अगर आपको चेन का परफॉर्मेंस के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। भाई कहाँ जा रहे हो, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कहीं जाके सिनेमेटिक शॉर्ट्स ले। तो देख रहे हो आपका भाई कितना एफर्ट डाल रहे हैं ऐसे रेगुलर वीडियो लाने के लिए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस ब्लॉग, इफ यू रियली डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।